आज वीडियो में मैं आपको चटाई से कुछ नया पैटर्न तैयार करना बताऊंगी। ये जैसे हमारी चटाई पुरानी हो जाती है इस तरीके से इसकी किनारे यहाँ पे बिल्कुल खराब हो जाती है, और हमें इसे बार बार सही करते हैं तब भी ये बार बार खराब होती जाती है दोनों साइड से इस तरीके से। बीच में से ये बिल्कुल नई सी रहती है। इसे हम फिर से रीयूज करेंगे। तो इसे हम किस तरीके से रीयूज करेंगे, चलिए तो इस तरीके से देखिए कि यहाँ पे किनारी पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अब इसमें हम दोबारा से पट्टी भी नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत ही खराब हो चुकी है। कितनी बार हम पट्टी लगाएंगे, तो इसलिए इस तरीके से हम इसे पहले यहाँ किनारी में से इसे अलग कर देंगे काट के। ये देखिए इधर से खुला हुआ भाग है, मैंने इसको डबल में फोल्ड कर रखा है क्योंकि अगर इसको मैं पूरा खोलूंगी तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी। फटी हुई हिस्सा हमने यहाँ से निकाल दिया है। अब हम इस पे नाप लगा लेते हैं। ये पूरी चटाई हमारी 60 इंच के लगभग बैठ रही है, और ये साइड में इधर वाला हिस्सा भी खराब है तो हम इधर से भी निकाल देंगे। तो दोनों साइड से हमने ये हिस्से निकाल दिए। अब हम इस पे चौकोर चौकोर नाप लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम नाप लगाएंगे। पहले हम 21 इंच की नाप लगा के देखते हैं। तो 21 हमने इधर से ले लिया, 21 इंच का हमने दूसरा नाप लगा लिया, और ये देखिए 21 इंच का हमारा तीसरा नाप लग गया। तो यानी 21 21 इंच के इसमें हमने तीन पार्ट बना लिए। इधर से देखते हैं, इधर देखिए हमारा 21 से ज्यादा बैठ रहा है, यानी ये हमारा 23 इंच बैठ रहा है। तो हम इधर से भी जो डैमेज हिस्सा है उसको निकाल देंगे। तो 21 हम इधर से ले लेंगे, 21 पे मार्क यहाँ लगा देंगे। तो इस तरीके से हम 21 इधर और 21 ही हम इधर लगा लेंगे। तो ये हमारे एक चौकोर बॉक्स बन गया है, यानी चटाई का। इसी तरीके से हम इधर लगा लेंगे। तो तीन पार्ट्स हम इसमें से निकाल लेंगे, और जो इधर साइड में ये डैमेज वाला हिस्सा है तो उसे भी हम निकाल के अलग कर देंगे। चलिए हम पहले कटिंग कर लेते हैं 21 बाई 21 के हिसाब से। एक हिस्सा ये हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया, और तीसरा हमारा ये हो गया। अब हम इसमें से 21 तो हमारी इधर है ही, 21 हम इधर से ले लेंगे इस तरीके से, और जो डैमेज वाला हिस्सा है उसे भी हम निकाल देंगे। इस तरीके से हमने इसको काट के कंप्लीट कर लिया है। ये दो पार्ट हो गए हमारे 21 बाई 21 के। तो इस तरीके से हमारे पास 6 पोर्शन बन जाएंगे इसके। अब हमें क्या करना है, इनको हम बंद करेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस तरीके से कोई भी ब्लाउज पीस जो आपके पास वेस्टेज पड़े हो, जिन्हें हम यूज नहीं करते हैं, ये जो साड़ी में से हम निकाल देते हैं, तो उन्हें हम इनमें यूज करेंगे। उनकी हम इस तरीके से लंबी लंबी पट्टी काट लेंगे, और इन्हें बीच में से जॉइंट करके, इस तरीके से हम जॉइंट करके एक लंबी पट्टी बना लेंगे। उसके बाद हमें इसे चारों तरफ से इसकी गोट लगा देनी है। तो इसी तरह हम और भी पट्टियां काट लेते हैं, इसे इस कपड़े में से काट लेंगे। सबसे पहले हम लेस को अलग कर देते हैं, इसकी पट्टियां काट लेंगे। इस तरीके से मैंने तीन पट्टियां इस कपड़े की काट ली है। अब इसमें से भी काट लेंगे। ये सब बचे हुए टुकड़े हैं ब्लाउज के जो कोई काम नहीं आते। इस तरीके से इनको हम एक के ऊपर एक रख के जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद में एक लंबी पट्टी बना लेंगे। इसके बाद हमें जो हमने ये पीस काटे थे, काटते समय ये सिरे से निकल गए थे, इस तरीके से हम इसे माचिस से या फिर कोई मोमबत्ती से आप इसे इनकी किनारी इस तरीके से आंच से इसे आप बांध लीजिए, तो ये रुक जाएंगी इनकी रे से निकलते हुए। इस तरीके से इनकी रे से माचिस से आप इन्हें करोगे तो ये फिक्स हो जाएगी। उसके बाद आप इन्हें गोट लगा लीजिए। तो मैं बताती हूँ, पहले हाथ से लगाना बता देती हूँ। एक लंबी पट्टी आप यहाँ बना लेंगे इनको ज्वाइंट करके,
उसके बाद आप इसे रखिए इस तरीके से। तो यहाँ से आप इसे लगाना शुरू कीजिए। इस तरीके से आप इसमें मोटे मोटे टांके दे लीजिए, चाहे बारीक भी दे लीजिए। इस तरीके से आप इसे चारों तरफ से लगा के कवर कर लीजिए। उसके बाद आप इसे इस तरीके से लग जाएगी, फिर आप इसे इधर फोल्ड कीजिए और एक बार और फोल्ड कीजिए इस तरीके से, और इसे हाथ से फिर से कवर कर लीजिए। बारीक बारीक टांका आप ऊपर की साइड दे दीजिए और इस तरीके से इसे फोल्ड करते जाइए। तो आपको इस तरीके से अगर हाथ से लगाना है तो यहाँ पे इस तरीके से चारों तरफ लगा सकते हैं सुई से। अब मैं आपको मशीन से भी लगा के बताती हूँ, मशीन से थोड़ी जल्दी लग जाते हैं। अब ये वाली जो पट्टी है मैं इसे आपको मशीन से लगा के बताती हूँ, मशीन से थोड़ी फिनिशिंग से भी लग जाती है और जल्दी भी लग जाती है। एक और जॉइंट लगा लेंगे। इस तरीके से इस जॉइंट को लगा लिया, अभी एक लंबी पट्टी बन गई है। इसे हम पाइपिंग की तरह उस पर लगाएंगे। तो ये चटाई का टुकड़ा ले लेंगे और एक किनारे से कहीं से भी हम इसे उल्टे में रखेंगे इस तरीके से। वही तरीका अपनाएंगे जो हमने हाथ से लगाया था, ये मशीन से बस यहाँ सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इस तरीके से इसे घुमाएंगे और इसे भी घुमा लेंगे पट्टी को भी, चारों तरफ को हम इसी तरह इसे लगा लेंगे। चार कॉर्नर आएंगे हमारे, चारों कॉर्नर पे हम इस तरह पट्टी को घुमा लेंगे। इसको यहां से एक बार फोल्ड कर लेंगे और इस वाले कॉर्नर दबा लेंगे इस तरीके से। ऊपर से हम इसको सिल देंगे ऐसे। तो ये वाला कॉर्नर हमने यहाँ पहले ही दबा लिया और इसको ऊपर से सिल दिया यहाँ। अब इस वाले कॉर्नर को हम दबा लेंगे। इस तरीके से सिलाई करते जाएंगे। अब इस तरीके से हम इस चारों तरफ इसे लगा लेंगे, फिर इसे इस तरीके से हम ऊपर की साइड मोड़ेंगे ऐसे। इसके कॉर्नर निकाल लेंगे और इसे हम यहां से फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। इस तरीके से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। तो ये हमारी देखिए फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग लग जाएगी, यानी इसकी एक गोट बन जाएगी। देखिए मशीन से भी कितनी सफाई से आ जाएगी। यहां पर हम कॉर्नर बना लेंगे। तो देखिए ये हमने ये वाला तैयार कर लिया, दूसरा ये इस तरीके की पट्टी लगा के एक ये तैयार हो गया, एक ये चुंदड़ी की हमने चारों तरफ पट्टी लगाई, इस पे मैंने प्लेन ही लगा लिया है और ये मैंने आपको हाथ से लगा के बताई थी, इसमें मैंने हाथ से वर्क किया है। ये हाथ से बन के तैयार हो गया एक ये, यानी हमारे छह आसन बन के तैयार हो गए हैं और सभी बहुत ही अच्छे सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने पुरानी चटाई को यहाँ पे यूज कर लिया है और इस सुंदर से प्यारे से आसन बना के तैयार कर लिए। जो डैमेज एरिया था वेस्टेज उसको मैंने साइड से निकाल के बीच का जो फ्रेश था उसको मैंने ले लिया। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।